सो so स्किड क्या होता है स्टैंड फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियंसी ओके सो ये क्या है ये ऐसी डिजीजेस का ग्रुप होता है जो कि म्यूटेशन इन जीन्स से कॉज होता है सो इट इज ग्रुप ऑफ रेयर डिजीज कॉज बाय म्यूटेशन इन जीन्स ओके okay, और ये बेसिकली कौन से जीन्स में म्यूटेशन होती है द जीन नेम इज फॉर एडेनोसिन ओके सो ये एक ऐसा जीन है जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंफेक्शन फाइटिंग इम्यून सेल्स में काम आती है सो so ये जीन किस काम आती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इन्फेक्शन फाइटिंग इम्यून सेल्स ओके सो क्या होता है कि जब एडीए जीन में म्यूटेशन आ जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता ये जो है ये ज्यादातर ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है मतलब कि ये इनहेरिट होती है एट द टाइम ऑफ इन्फेंट इनहेरिट होती है ओके okay. स्किड का जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी तरीके से हुआ है अभी तक जैसे कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी एडीए जो है वो एक एंजाइम ही है और एडीए जीन जो होता है वो इस एंजाइम को कंस्टिट्यूट करता है ओके okay? आज की रीसेंट टेक्नोलॉजीज में हमारी स्किड का ट्रीटमेंट जो है वो जीन थेरेपी से होता है सो so, देखते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है जो भी हमारा स्किड डायग्नोस पेशेंट होता है उसके लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाल लिया जाता है ब्ल, ब्लड से लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इंफेक्शन से फाइट करते हैं ओके so, सो को ब्लड से निकाल लिया जाता है और उसको कल्चर किया जाता है इसमें फंक्शनल एडीए सी डी एन ए डाला जाता है सो फंक्शनल एडीए सी डी एन ए इसका क्या मतलब है कि उसमें जो हेल्दी एडीए जीन होगा मतलब कि उसका सेगमेंट डाला जाएगा और ये कैसे डाला जाएगा ये वेक्टर यूज करके डाला जाएगा जिसको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं सो so, ये एक वेक्टर है जो कि इस डीएनए सेगमेंट को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवा के लिम्फोसाइड्स के अंदर ट्रांसफर कर देगा इस जीन को ओके okay? और जैसे ही लिम्फोसाइड्स को ट्रांसफर करेगा सो so उससे क्या होगा ये री इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं पेशेंट के ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स हैं हमारा जीन थेरेपी है वो बाकी थेरेपी से कैसे बेनिफिटेड है जीन थेरेपी होता है वो लो रिस्क प्रोवाइड करता है जीवीएचडी का विच स्टैंड फॉर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज सो लो रिस्क ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज कमिंग टू क्वेश्चन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किड बाय जीन थेरेपी हमारा ऑप्शन वन है ऑफ पेशेंट एंड द ब्लड हमारा ऑप्शन टू है अ फंक्शनल एडीए जीन इज इंट्रोड्यूस इन द मोनोसाइट्स ऑफ द पेशेंट एंड देन these मोनोसाइट्स आर reintroduced, the in the the reintroduced in इन द पेशेंट सो ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज मोनोसाइट्स में नहीं इंट्रोड्यूस होते ऑप्शन थ्री है एंजाइम एनजाइम एडोनिस इज इंट्रोड्यूस इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट सो डायरेक्टली कोई भी एंजाइम जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता वो किसी डीएनए सेगमेंट के थ्रू ही इंट्रोड्यूस होता है एंड ऑप्शन फोर है द म्यूटेटेड जीन ऑन क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी इज ट्रीटेड विथ सर्टन केमिकल्स सो एज सच कोई केमिकल्स यूज नहीं किए जाते सो स्किट थेरेपी क्या होती है जिसमें एक फंक्शनल ए सी को में इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर इन को री इंट्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट के ब्लड में सो so, हमारा ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ओके क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई, आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर